नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे काग भुसुंडी। परम ज्ञानी राम भक्त रामायण के प्रमुख पात्र काग भुसुंडी, जिसे भुसुंडी भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य में चित्रित एक ऋषि हैं। वह रामचरितमानस के पात्रों में से एक हैं। संत तुलसीदास द्वारा भगवान राम के बारे में अधिक कविताएं भी हैं। काग भुसुंडी को राम के भक्त के रूप में देखा गया है, जो एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें चिरंजीवी में से एक के रूप में भी वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में एक अमर व्यक्ति जो वर्तमान कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा। काग भुसुंडी मूलतः अयोध्या के शूद्र वर्ग के सदस्य थे। देवता शिव के एक उत्साही भक्त, उन्होंने अपने गुरु के इस मानसिकता से उन्हें हतोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद देवता विष्णु और वैष्णव को तिरस्कार में रखा। एक बार काग भुसुंडी ने अपने गुरु को अपना सम्मान देने से इनकार कर दिया, जबकि वह मंदिर में शिव की प्रार्थना में लगे थे। क्रोधित होकर शिव ने अपने कृतघ्न भक्त को सर्प का रूप लेने और एक छोटे जीव के रूप में 1000 जीवन जीने का श्राप दिया। अपने गुरु द्वारा श्राप को कम करने के लिए देवता से प्रार्थना करने के बाद शिव ने कहा कि उनके 1000 शापित जन्मों के बाद काग भुसुंडी राम के भक्त बनेंगे। देवता ने चेतावनी देते हुए कहा था कि वह फिर कभी किसी गुरु को अप्रसन्न ना करें। इसके बाद शापित जन्मों के बाद काग भुसुंडी एक ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए और राम के एक महान अनुयायी और एक ऋषि बन गए। लोमस नाम के एक ऋषि को निर्गुण पूजा के गुणों पर प्रवचन सुनते हुए उन्होंने ब्राह्मण की सगुण पूजा की तुलना में उन्होंने इस विचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोमस ने क्रोध में आकर उसे कौवा बनने का श्राप दे दिया। ऋषि ने गरुड़ से कहा कि हर त्रेता युग में वह अयोध्या जाते हैं और 5 साल तक शहर में रहते हैं। बालक राम को एक कौवे के रूप में देखते हैं। एक बार राम ने एक उत्साहित बच्चे की सभी हरकतों से उसे पकड़ने की कोशिश की। ऋषि के मन में राम की दिव्यता के बारे में संदेह का छड़ आया। जब काग भुसुंडी ने आकाश की ओर उड़ान भरी, तब उन्होंने महसूस किया कि देवता की उंगलियाँ हमेशा उनसे केवल उंगलियों की दूरी पर थी। यहाँ तक कि जब वे ब्रह्मलोक के लिए उड़ान भर रहे थे, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को वापस अयोध्या में हंसते हुए बच्चे के बीच में पाया। उन्होंने राम के मुंह में एक अलौकिक दृष्टि देखी, जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमा देखे गए। प्रत्येक आकाशीय वस्तु के भीतर अयोध्या में स्वयं ऋषि के दर्शन हुए। वह सदियों से इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के भीतर रहते थे और राम के मुख से लौटकर खुद को उसी क्षण में वापस पाने के लिए आते थे जब वह चले गए थे। हतप्रभ हो गए। उसने राम के उद्धार के लिए भीख मांगी, राम से उद्धार के लिए भीख मांगी और उसे तुरंत ही आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने हमेशा के लिए कौवे के रूप में रहना चुना, क्योंकि उस रूप में इष्ट देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। कौन है काग भुसुंडी? सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काग भुसुंडी के रूप में हुआ। काग भुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर से के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। काग भुसुंडी लोमस ऋषि के शाप के चलते काग भुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इक्ष्वाकु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काग भुसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी।
लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बताया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोम वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बच जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी। तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह ऐसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसीलिए उनकी रामायण सत्य के निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया। उत्तर कांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने या उत्तर कांड क्यों जोड़ा गया, ये सवाल अभी भी खोजे जाते हैं। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय ना हो, क्योंकि वे श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार। दो चीज़ें बहुत सीमित हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वो है समय और सांसें। इसलिए बहुत समझदारी से खर्च कीजिए।